नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी जान चुके होंगे कि वॉर के बाद ऋतिक की अगली फिल्म क्रिश 4 होगी। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक रोशन क्रिश 4 नहीं बल्कि सत्ते पे सत्ता का रीमेक करना चाहते थे और अग्निपथ के बाद एक बार फिर से वो अमित जी का किरदार निभाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब ऋतिक ने इस फिल्म से बैकआउट करने का मन बना लिया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब ऋतिक को इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं रहा? तो दोस्तों, अब फाइनली इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर खुलासा करते हुए बताया गया, समस्या तब शुरू हुई जब प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म सत्ते पे सत्ता के रीमेक राइट्स खरीदने में असफल रहे। दोस्तों, रोमू एंड सिप्पी के फैमिली मेंबर्स ने राइट्स के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए मांगे थे, जो रोहित शेट्टी और उनकी टीम को बहुत ज्यादा लगे। फाइनली उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने की बजाय 1954 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 7 Brides for 7 Brothers के राइट्स खरीद लिए, जिससे सत्ते पे सत्ता की कहानी अडॉप्ट की गई थी। और अब रोहित शेट्टी की इस फिल्म का टाइटल होगा 7। और दोस्तों, बस यही से असली समस्या शुरू हुई, क्योंकि दोस्तों ऋतिक रोशन सत्ते पे सत्ता के रीमेक के लिए एक्साइटेड थे, ना कि 7 Brides for 7 Brothers के रीमेक के लिए। दोस्तों, यह रिपोर्ट में बताया गया कि अंग्रेजी फिल्म से ली गई कहानी पर काम करने में ऋतिक को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही उन्होंने 7 Brides for 7 Brothers के रीमेक राइट्स खरीदे, वैसे ही फिल्म का पूरा प्लॉट ही चेंज हो गया और इस फिल्म की स्टोरी लाइन ओरिजिनल सत्ते पे सत्ता से काफी अलग है। और दोस्तों, इसलिए अब ऋतिक रोशन ने फराह खान और रोहित शेट्टी को कह दिया है कि वो किसी और एक्टर को अपने प्रोजेक्ट के लिए कास्ट कर सकते है। हालांकि दोस्तों, अनुष्का शर्मा अभी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, ऋतिक रोशन ने फाइनली इस फिल्म को छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब इन दिनों ऋतिक रोशन अपनी सुपरहिट सुपरहीरो फ्रेंचाइज क्रिश के चौथे पार्ट यानी क्रिश 4 की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप ऋतिक के इस डिसीजन पर क्या कहना चाहेंगे? जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो डॉग चैनल को। जय हिंद।